नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 12 अगस्त 2020 है। 12 अगस्त 2020 की बड़ी खबरें क्या है? भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा जहां 23 लाख के पार हो गया, वहीं रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ा है। रिकवरी रेट बढ़कर 70% हो गया है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब तक 16 लाख लोग स्वस्थ हो गए हैं। इस बीच माता वैष्णो देवी की यात्रा 16 अगस्त से शुरू हो जाएगी। प्रतिदिन 5,000 से अधिक श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अधिकतम 5,000 श्रद्धालु ही माता के दर्शन हेतु जा सकेंगे। जम्मू कश्मीर सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन जारी किया है। गाइडलाइन में स्पष्ट है कि दूसरे राज्यों से आने वाले 5,000 श्रद्धालु ही हर दिन माता के दर्शन कर सकेंगे। एक समय में 600 से अधिक लोगों को मंदिर में एक साथ प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए उन श्रद्धालुओं को ही अनुमति होगी जिनके पास कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव होगी। साथ ही एहतियात की सारी शर्तें भी लागू रहेंगी। राज्य के रेड जोन से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक टेस्ट जरूरी होगा। यात्रा मार्ग पर भी टेस्ट की सुविधा होगी जहां रैंडम टेस्ट होगा। माता वैष्णो देवी के साथ साथ चराए ए शरीफ, नंगाली साहेब, शाहदरा शरीफ, हजरत बल, शिव खौरी भी खुल जाएंगे। इधर बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 86,812 हो गई। इनमें 57,003 संक्रमित स्वस्थ भी हो गए। बिहार में लगातार जांच बढ़ाई जा रही है। जांच में मात्र 4.89% संक्रमण की दर है। साहित्य और सिने जगत को बड़ी क्षति हुई है। मशहूर शायर राहत इंदौरी नहीं रहे। उन्हें निमोनिया के बाद कोरोना भी हुआ था। कार्डियक अरेस्ट आने के बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका। मशहूर सिने अभिनेता संजय दत्त को लंग कैंसर हो गया है। कहा जा रहा है कि लंग कैंसर 3rd स्टेज पर पहुंच गया है। उन्हें इलाज के लिए अमेरिका ले जाया जाएगा। बिहार में रद्द हुई STET की परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने STET की पुनर्परीक्षा के लिए अलग अलग 9 तिथियां जारी की है। यह परीक्षा 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 और 21 सितंबर को होगी। संबंधित अभ्यर्थी के एडमिट कार्ड पर परीक्षा की तिथि, केंद्र, विषय व तिथि यानी पूरी परीक्षा का शेड्यूल रहेगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी STET के लिए 25 अगस्त को एडमिट कार्ड जारी करेगी। आपको बता दें कि यह परीक्षा वेल्ट्रॉन के माध्यम से ली जाएगी। अब क्लैट की परीक्षा 7 सितंबर को होगी। परीक्षा ऑनलाइन होगी। 7 सितंबर को परीक्षा 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। वेबसाइट पर 25 अगस्त को एडमिट कार्ड जारी कर दी जाएगी। उत्तर पश्चिम बिहार में गुरुवार तक रुक रुक कर भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने ऐसी आशंका जताई है। इसमें सीमांचल के अधिकांश जिले हैं। इंडो नेपाल बॉर्डर पर नेपाल पुलिस ने मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचने वाले एक युवक को बॉर्डर पर लाठी डंडों से पीट कर घायल कर दिया। उसे बूट से भी मारा गया है। इससे लोग काफी क्षुब्ध हैं। भागलपुर जिले के परशुरामपुर गुरु टोला निवासी राकेश कुमार मंडल को अपराधियों ने गोली मार हत्या कर दी। मृतक पेशे से मजदूर था। वह काम कर अपने घर लौट रहा था। भागलपुर के ही अंगाड़ी गांव में शराब के 3 धंधेबाज पुलिस के हत्थे चढ़ गए। उनके पास से 50 बोतल शराब मिले हैं। पुलिस ऐसे ही लोगों पर कड़ी नजर रख रही है। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड के मधुवन गांव में पानी भरे गड्ढे में 4 बच्चे डूब गए। इनमें 2 बच्चों की मौत हो गई। इलाके में इस घटना को लेकर काफी शोक है। भारत से नेपाल ले जाए जा रहे 2 लोगों को 23 बोरा यूरिया के साथ दबोच लिया गया। इनके पास से 2 साइकिलें भी बरामद की गई है। यह कार्रवाई SSB ने किया है। ज्ञात हो कि इससे पूर्व भी SSB ने 39 बोरा यूरिया के साथ तस्करों को गिरफ्तार किया था। पूर्णिया जिले के बनमनखी प्रखंड अंतर्गत काजी से मीटिंग कर लौट रहे माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंट से 26,000 रुपये बदमाशों ने लूट लिया। घटना काजी और धीमा के बीच घटी। पीड़ित एजेंट का नाम राम ललित यादव बताया गया। भागलपुर के पीरपैंती से एक और खबर आई है। वहां परबन्ना गांव के समीप एक बाइक पर सवार साला बहनोई को हाइवा ने रौंद दिया, जिसमें बहनोई की मौत हो गई और साला गंभीर रूप से जख्मी है। मृतक का नाम संजय शर्मा है। वह महरमा घमरी का था। घायल साला गणेश शर्मा ओलापुर गाँव का था। वे लोग रोड किनारे वाहन खड़ी कर फोन पर बात कर रहे थे।
मधेपुरा में जदयू नेता अशोक यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना मधेपुरा के जोगबनी गांव में घटी। इधर जमुई में बटपार मोड़ के समीप एक ट्रक एवं पिकअप वैन की टक्कर हो गई। इसमें पिकअप वैन के चालक की तत्क्षण ही मौत हो गई। कटिहार में लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में दुकानदारों पर कार्रवाई शुरू है। बेगूसराय के बहियार व दियारा में नील गाय और जंगली सूअरों का उत्पात तेज हो गया है। मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन दिल का दौरा पड़ने से हो गया। हालांकि कुछ दिन पूर्व ही उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। इसके बाद उन्हें मध्य प्रदेश के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राहत इंदौरी के निधन पर तेज प्रदर्श ने शोक संवेदना व्यक्त की है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि जाने मुझको क्या सूझी है, शब्दों की अंगनाई में मीर की गजलें ढूंढ रहा हूं, तुलसी की चौपाई में अलविदा हैशटैग राहत इंदौरी। इस दौर में आपका बहुत कमी खलेगी, ईश्वर आपकी आत्मा को शांति प्रदान करे। वहीं तेज प्रताप यादव ने राहत इंदौरी को याद करते हुए अपने पिता के साथ उनकी एक तस्वीर ट्विटर व फेसबुक पर पोस्ट किया है। साथ ही लिखा है कि शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहें, अलविदा हैशटैग राहत इंदौरी जी। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज 9X सब्सक्राइब करें।